हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, पढ़ रहे हैं? चलिए पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स, जिसको आयकर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आयकर। आयकर में हम जो सब चैप्टर पढ़ रहे थे वह था चैप्टर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमारा जो टॉपिक था वह था HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ये आज का टॉपिक है, हाउस रेंट अलाउंस। आयकर अधिनियम की धारा 10-13A, मतलब इसका अंडर सेक्शन 10-13A में कहा गया। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब होता है मकान किराया भत्ता। जब कोई भी कर्मचारी, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में, मतलब चाहे गवर्नमेंट एम्प्लाई हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लाई हो, उसको अपने रहने के लिए मालिक के यहाँ से, नियोक्ता के यहाँ से, गवर्नमेंट के यहाँ से मकान किराया भत्ता मिलता है, मतलब मकान का किराया मिलता है, मकान का भत्ता या अलाउंसेस मिलता है, तो वह अलाउंसेस वेतन शीर्षक में कर योग्य होता है। अब प्रश्न यह है कि कितना कर योग्य होगा, कि पूरा कर योग्य होगा, कि कुछ भाग कर मुक्त होगा। तो इसको जानने के लिए ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है। मान लीजिए कि ये व्यक्ति कोई ए है। यहां पे अब दो कंडीशन है। पहला है कि ऐसा व्यक्ति जिसको मकान किराया भत्ता मिलता है, मकान किराया भत्ता मिलता है, लेकिन वो किराए के मकान में नहीं रहता, वो खुद अपने मकान में रहता है। कहाँ रहता है? वो खुद अपने मकान में रहता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मकान में रहता है और मालिक से मकान किराया भत्ता मिलता है, समझिएगा, जब वह स्वयं के मकान में रहता है, स्वयं के मकान में रहता है और उसको HRA भी मिलता है, HRA मिलता है, ठीक है, तो ऐसी दशा में उसका जो HRA होगा वो फुली क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल होता है। मतलब जितना भी मिलेगा वो पूरा पूरा कर योग्य होगा। लेकिन वही व्यक्ति किराए पर रहता है, किराए पर रहता है, तो ऐसी दशा में उसका कुछ भाग कर योग्य और कुछ भाग कर मुक्त होगा। इसके लिए एक गणना किया जाता है। वह गणना कैसे किया जाएगा यहां ध्यान दीजिएगा। इसका रूल्स है, ध्यान दीजिएगा, इसका रूल्स है। फर्स्ट पॉइंट में होता है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीट। दूसरा होता है इसमें रेंट पेड, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, ठीक। तीसरा होता है 40% ऑफ सैलरी, लेकिन यह मकान दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और मुंबई में है, तो क्या होगा, 50% ऑफ सैलरी होगा, जितना भी होगा यहां लिख दिया जाएगा। अब इन तीनों में जो सबसे कम होगा, अर्थात विचर इज लेस देन, तीनों में जो सबसे कम होगा वही हमारा एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल इसमें क्या होगा, टैक्सेबल इज इक्वल टू एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट।
मतलब वास्तव में प्राप्त किराए की राशि में से एग्जम्प्ट का पार्ट घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अब इसमें समझने वाली चीज ये है, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीप्ट, इसका मतलब ये होता है कि नियोक्ता के द्वारा, ठीक ना, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉई को कितना मकान किराया भत्ता मिला, वह अमाउंट। अब मान लीजिए मिला है 4,000 रुपये महीना, लेकिन वो किराए कितने किराए के मकान में रहता है, कितने रुपए के मकान में वो किराया चुकाता है, तो रेंट पैड जितना वो किराया चुकाता है उसमें से सैलरी का 10% घटा दिया जाएगा। अब थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा कि सैलरी मीन्स क्या होता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। तीसरा है 40% ऑफ सैलरी, वेतन का 40%। लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई में मकान है तो ऐसे दशा में 40% की जगह पे 50% ऑफ सैलरी होगा। तीनों अमाउंट ये निकाला जाएगा, तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, तो टैक्सेबल क्या होगा, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीप्ट में से एग्जम्प्ट घटा देंगे तो जो होगा हमारा टैक्सेबल होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां जो अभी बताए हैं वेतन सैलरी का मीन्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सैलरी का मतलब होता है, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, लेकिन महंगाई भत्ता होगा तो वो सेवा शर्त के अंतर्गत, सेवा शर्त के अंतर्गत, ठीक है, और प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, इतने चीजों को जोड़ा जाएगा तो हमारा सैलरी होगा। कोई दिक्कत? मतलब इस सैलरी को निकालने के लिए हमें एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए तो सैलरी कैसे हो ज्ञात किया जाएगा, बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस एज ए कंडीशन के आधार पर, प्लस कमीशन ऑन सेल माने बिक्री पर एक निश्चित दर से कमीशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों पॉइंट एक बार और बता दे रहे हैं कि जब कोई भी कर्मचारी कहीं काम करता है तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं, या तो अपने मकान में रहे या किराए के मकान में रहे। यदि अपने मकान में रहता है और मकान किराया भत्ता उसे प्राप्त होता है तो वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस जो भी मिलेगा वो फुली टैक्सेबल होगा, पूरा पूरा। और यदि वो किराए के मकान में रहता है तो वहाँ हाउस रेंट अलाउंस निकाला जाता है कि क्योंकि उसका कुछ भाग कर मुक्त तो कुछ भाग कर योग्य होता है, ठीक है। आइए इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। एक और पॉइंट बता दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा स्टेप इसका है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि किराया चुकाया है उससे ज्यादा 10% ऑफ सैलरी हो जाती है, मतलब जितना रेंट पेड किया है उससे ज्यादा 10% ऑफ सैलरी हो जाती है, तो ऐसी दशा में जितना भी हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा वो पूरा पूरा टैक्सेबल होगा, ठीक। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, कि राम शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में 10,000 रुपया प्रतिमाह वेतन पर कार्यरत है, महंगाई वेतन उसका कितना है, महंगाई वेतन मान लीजिए कि 3,000 रुपया प्रति माह, बिक्री पर कमीशन 2% है, और वर्ष की बिक्री दिया गया है 5 लाख, ठीक है। उसे मकान किराया भत्ता मिलता है
3000 रुपया प्रति माह, ठीक है। और वह किराया चुकाता है कितना, 2000 रुपया प्रति माह। थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं इसको अमाउंट, 4000 रुपया प्रति माह, इसको कर दे रहे 3000 रुपया प्रति माह। आपको क्या निकालना है, हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। कौन कौन सा, टैक्सेबल और एग्जम्प्ट, मतलब दोनों ही आपको निकालना है कि कितना मकान किराया भत्ता कर मुक्त हुआ, कितना कर योग्य हुआ। ध्यान दीजिएगा, रूल आपके सामने रखा हुआ है, हम इसे कैसे गणना करेंगे, ठीक। ध्यान से एक बार क्वेश्चन, राम शिक्षा विभाग में 10000 रुपये प्रति माह वेतन पर कार्यरत है, मतलब उसे सैलरी 10000 रुपये पर मंथ, उसका डियरनेस सैलरी कितना है, 3000 रुपया प्रति माह, बिक्री पर कमीशन 2% है, वर्ष की बिक्री 5 लाख है, मकान किराया भत्ता उसे मिलता है 4000 रुपये प्रति माह, किराया वह चुकाता है 3000 रुपये प्रति माह। आपको हाउस रेंट अलाउंस, टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों निकालना। ध्यान दीजिएगा कैसे हम गणना करेंगे, रूल आपके सामने है, एक बार और हम निकालते हैं। हाउस रेंट अलाउंस रूल लिख कर आपको बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड, वास्तव में से मकान किराया भत्ता उसे कितना मिला, 4000 रुपये प्रति माह, 4000 × 12 = 36 × 4 = 48। कोई दिक्कत। सेकेंड स्टेप इसका है रेंट पैड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पैड माइनस 10% ऑफ सैलरी, किराया उसने कितना चुकाया, 3000 रुपया प्रति माह, 3000 रुपया प्रति माह 12 महीने का, 12 तिहाई हो जाएगा 36000। अब 10% ऑफ सैलरी किसका, सैलरी का 10%। यहां हम सैलरी निकालेंगे, सैलरी मींस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना दे रहा है, 10000 रुपये महीना, बेसिक सैलरी 10000 महीना, तो 12 महीने का 1,20,000। उसके बाद डियरनेस सैलरी, वो कितना दे रहा है, 3000 रुपये प्रति माह, 3000 है 12 से गुणा करेंगे, 12 × 36। इसके बाद बिक्री पर कमीशन 2%, कमीशन 5 लाख सेलिंग है, 2% कमीशन है, 5 × 10,000। क्योंकि यहाँ सैलरी में हम उतने ही चीज जोड़ेंगे जितने यहाँ पे रूल में लिखे हैं, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्तों के अंतर्गत और बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, टोटल हम जोड़ देंगे 1,2,3,0, 6 × 6, 3×2,5, 1,6, 1,66,000 सैलरी। इस सैलरी का 1,66,000 सैलरी का कितना परसेंट, 10%, कितना हो जाएगा, 16,600। इसमें से अब इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 400, बचेगा 5, 15 में से 6 गया 9, अब यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1। तीसरा इसमें है 40% ऑफ सैलरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शहर का नाम नहीं दिया गया है तो 40%, लेकिन शहर का नाम दिया गया है तो 40% मगर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई है तो 50% किसका, इस सैलरी का 1,66,000 का 40% हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 00 6×24 6×24 25×26 4×4 4×2 6। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, मतलब जो लेस देन होगा, जो कम होगा, कम कौन है, 19,400, ये हमारा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा इसके नियम के अनुसार। अब टैक्सेबल इसमें क्या होगा, टैक्सेबल इज इक्वल टू क्या, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, वास्तव में उसे कितना प्राप्त हुआ, 48,000। एग्जम्प्ट हमारा कितना है, 19,400, तो इसमें से घटाएंगे
600, यहाँ बचेगा 7, 17 में से 9 गया 8, 3, 3 में से 1 गया, यही हमारा हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा। तो ये आपका था टोटल कंप्लीट हाउस रेंट अलाउंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं चाहूंगा कि इसको एक बार नोट कर लें और नोट करने के बाद से एक एग्जांपल और बता दें आपको, ताकि और क्लियर से आपको पता चल जाए। ठीक है, नोट करिए, फिर मिटाते हैं। अभी हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए दूसरे एग्जांपल के साथ चलते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर है 2। इस एग्जांपल में हाउस रेंट अलाउंस एक बार और। ठीक, जैसे मान लीजिए लिखा है कि महेश आगरा में एक कंपनी में कर्मचारी है। इसका हाउस रेंट अलाउंस ज्ञात करना है। और इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि सैलरी मतलब मूल वेतन 5,000 रुपया प्रति माह। इसके बाद से दे रहा है आपका महंगाई भत्ता मूल वेतन का भाग है। कितना दे रहा है? 2,000 रुपये प्रति माह। फिर दे रहा है यातायात भत्ता 1,500 रुपया प्रति माह। फिर लिख रहा है बिक्री पर कमीशन 20,000 टोटल प्रति वर्ष। मकान किराया भत्ता उसको मिला 4,000 रुपया प्रति माह। किराया चुकाया 2,000 रुपया प्रति माह। ठीक है, आपको क्या निकालना है? एचआरए निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले रूल आपके सामने है, इसे मैंने नहीं मिटाया है, ध्यान दीजिएगा। हम हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे। वो रूल हमारा है एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। वास्तव में उसे मकान किराया भत्ता कितना मिला है? क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है कि बेसिक सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, डियरनेस अलाउंस कंडीशन के अनुसार 2,000 रुपये प्रति माह, ट्रेवलिंग अलाउंस 1,500 रुपये प्रति माह, बिक्री पर कमीशन 20,000 रुपये टोटल एक साल का, मकान किराया भत्ता 4,000 रुपये प्रति माह, किराया गया चुकाया 2,000 रुपये, उसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है? 4,000 रुपया प्रति माह, 12 महीने का, 12×36 48,000। दूसरा, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। किराया उसने कितना चुकाया? यहां लिखा हुआ है 2,000 रुपया प्रतिमाह 12 महीने का, 12×24 -10% ऑफ सैलरी। अब मेन यही है कि सैलरी कैसे ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सैलरी में सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब जितना उसको महीना मिलता है। कितना है? 5,000 गुणे 12×12×25,000। डियरनेस अलाउंस को तभी शामिल करते हैं जब वो सेवा शर्त के अंतर्गत होता है। उसके बाद डीए है, कितना है? सेवा शर्त के अंतर्गत है 2,000 गुणे 12×12×24,000। ट्रेवलिंग अलाउंस को शामिल नहीं किया जाता, इस ट्रेवलिंग अलाउंस को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सेवा शर्त के अंतर्गत और बिक्री पर कमीशन, इन्हीं चार चीजों को शामिल किया जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। अब क्या है? बस इतना ही दिया गया है।
बिक्री पर कमीशन दिया है, कमीशन कितना है टोटल एक साल का 20,000, टोटल कितना हो जाएगा 4×4 = 6×4 = 10, यही हमारा क्या होगा सैलरी। अर्थात 104,000 का क्या परसेंट 10%, कितना हो जाएगा 10,400। इसमें से हम घटा देंगे इसको, कितना आएगा 600, ये बचेगा 3, 3 यही हो जाएगा 1। तीसरे नंबर पे 40% ऑफ सैलरी, सैलरी हमारा कितनी है वो अभी निकला है 104,000, 40% निकालिए, 0 × 4 = 16, 4×4। इन तीनों में जो सबसे कम होगा कौन कम होगा 13,600, ये हमारा क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल क्या होगा एक्चुअल रेंट, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड 48,000 माइनस एग्जम्प्ट कितना 13,600 बराबर, घटा देंगे इसको 400, 7 में से 3 गया 4, ये बचेगा 3, यही अमाउंट हमारा क्या होगा टैक्सेबल होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से हाउस रेंट अलाउंस आ गया, क्योंकि पूरी सैलरी 4 ही 5 पॉइंट है जिसको आपको समझना है, बाकी तो पूरा आ ही जाएगा, एकदम सिंपल है। सैलरी लगता है कठिन है लेकिन कठिन नहीं है, क्यों? क्योंकि सैलरी में एक फर्स्ट स्टेप पे हाउस रेंट अलाउंस जरूरी है जानना, उसके बाद से रेंट फ्री हाउस दो हो गया, कंट्रीब्यूशन आप एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता है भविष्य निधि में अंशदान, ये 3 चीज़ें हैं, और एक डेप्रिसिएशन का भी कॉल आ जाता है, और एक बेसिक सैलरी कभी पे स्केल का आधार पर दे दिया, बस इतना ही समझना है, बाकी तो बस रटा रटा है कि कौन टैक्सेबल है, कौन फुली टैक्सेबल है, कौन एग्जम्प्टेड है, कौन क्या है, ये सब कुछ क्लियर है, लेकिन यही 4-5 बेसिक चीज़ों को जानना है, यदि जान गए तो सैलरी आ गया। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंडों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी जान जाए। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।